हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2 से। क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कोई सर्कल है और सर्कल का रेडियस है 15 सेंटीमीटर, इसकी कोई कॉर्ड है। ये जो कॉर्ड है ये सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी जब कॉर्ड के इन पॉइंटों को हम सेंटर से जोड़ेंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री का बनेगा। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल के जो मेजर और माइनर सेगमेंट्स हैं उनका आपको एरिया निकालना है। तो देखिए, माइनर सेगमेंट तो है ये वाला जिस पे मैं ये ब्लू कलर से शेड कर रहा हूँ। सेगमेंट होता है सर्कल का हिस्सा। जब किसी सर्कल को, ये कोई सर्कल है, ये कॉर्ड बना देते हैं तो सर्कल दो भागों में बंट जाता है। छोटे वाले को बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने शेड किया है ये है माइनर सेगमेंट, इसका एरिया निकालना है नंबर वन पे। और नंबर टू पे निकालना है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट ये इससे अलग, ये सारा का सारा जिस पे मैं ये रेड कलर से शेड कर रहा हूँ ये मेजर सेगमेंट है। बाकी का सारा हिस्सा इस ब्लू को छोड़ के ये है मेजर सेगमेंट। अब पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। देखिए, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ से ये जो पूरा सेक्टर बन रहा है ना आपका, ये पूरा सेक्टर बन गया। सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो पहले यही निकालेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पीछे भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये बार बार आ रहे हैं सिर्फ रिविजन के लिए, बाकी पीछे कर चुके हैं आप ये चीज़। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और ट्राइंगल, ट्राइंगल यहां पे देखिए किस तरह का ट्राइंगल है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनता है यहां पे, तो ये जो ट्राइंगल अंदर बनेगा ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है रूट 3/4 और साइड का स्क्वायर। वैल्यूज भरते हैं, सेक्टर के लिए थीटा कितना है 60 डिग्री, नीचे 360 डिग्री, पाई, क्वेश्चन में पाई दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पाई यूज 3.14, पाई की जगह पे आपको 3.14 यूज करना है। और यहाँ पे अगर कहीं पे रूट थ्री आएगा तो ये भी यूज़ करना है, ये है 1.73। ये दो चीज़ें बुक में दी हुई हैं तो आपको ये ही यूज़ करनी है। अगर पाई नहीं दिया होता है तो फिर आप 22/7 लिखते हैं। तो पाई की जगह लिखेंगे 3.14 और आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 15 सेंटीमीटर है क्वेश्चन में, तो 15 × 15। आगे रूट 3/4, तो रूट 3 की तो वैल्यू दे रखी है तो ये लिख लेते हैं 1.73, 4 का 4। और साइड, ट्राइंगल की साइड क्या हो जाएगी, ये साइड ही तो है ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल की साइड है और ये रेडियस भी है सर्कल का, तो जो रेडियस है सर्कल का वो ही इस ट्राइंगल की साइड होगी, तो ये है 15 × 15। अब बस इसे सिंप्लीफाई करना और आपका आंसर, 60 और 360 आपस में कट गए, ये 6 पे आता है। अब ये 6 वैसे तो कट रहा है ऊपर, लेकिन आप इसे भी काटें ना, आप इसे डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। क्या करेंगे कि हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको, इसको और इसको। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 706.5। और ये जो 6 है इसे एज इट इज़ रख लीजिए। यहाँ पे ये जो तीन नंबर हैं 1.73, 15 × 15, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 389.25 और नीचे 4। फर्दर इसे जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 117.75, माइनस इसे जब करेंगे तो वैल्यू आएगी 97.31। इनको सबट्रैक्ट करते ही आपकी वैल्यू आएगी 20.44। बस सिंप्लीफाई तो किया, आगे कुछ नहीं किया, सॉल्यूशन ही किया है। तो ये जो वैल्यू है ये है आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो लास्ट में यूनिट लगाना आप ना भूलें। 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। अब निकालेंगे मेजर का। अब देखिए मेजर का कैसे निकलेगा, ये पूरा सर्कल है,
पूरे सर्कल में से आप माइनर सेगमेंट को हटा दीजिए तो फिर मेजर ही तो बच जाएगा। इतना सिंपल सा है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पहले लैंग्वेज में लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया हम ऊपर निकाल चुके हैं, इसे डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं 20.44। सर्कल का एरिया निकालते हैं पाई आर स्क्वायर यानी 3.14, और रेडियस 15 × 15 माइनस 20.44। अब 3.14 और 15 × 15 ये एग्जैक्ट जो वैल्यू है ये आप ऊपर निकालना है। देखिए ये निकाल लिया है आपने, इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इसको काटा नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट मुझे ना यहाँ से मेरी मेहनत बच जाती है, मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। ये 3.14 × 15 × जो 15 है ना, ये इसके बराबर है 706.5। तो ये हो गया 706.5 और माइनस 20.44। इनका सबट्रैक्ट करते ही आपका आंसर, इन्हें सबट्रैक्ट करके आएगा 686.06, क्योंकि सेंटीमीटर में सारा क्वेश्चन, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्वेश्चन हो गया। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जैसे कि आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो ना, तो माइनर का आप पहले निकालेंगे, और माइनर का निकलता है सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करके। जैसे ही माइनर का आ जाता है तो पूरे सर्कल में से माइनर को हटा दीजिए, मेजर आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।